निजी क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर के तहत हिमाचल के सबसे बड़े सेवा प्रदाता श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा के CMD डॉक्टर राजेश शर्मा 29 दिन के बाद काम पर लौट आए हैं। बीती 23 मार्च से इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन व उसके बाद होम क्वारंटाइन रहने के बाद जब डॉक्टर राजेश मंगलवार सुबह अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ ने उनका फूलों से स्वागत किया। डॉक्टर राजेश ने इस अवसर पर अस्पताल परिसर के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने संबोधन में सबका धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे साथियों ने मुश्किल समय में सोसाइटी का साथ दिया, जो अपने आप में ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक नई शुरुआत करते हुए अच्छा काम करेंगे। मैं आज 28 दिन के बाद निकला हूं बाहर। मैंने अपना पूरा पालन करा, गवर्नमेंट ने बोला था एक कमरे के अंदर बंद रहा मैं, पिछले 7 दिन से ही मैं घर में कमरे बंद था। पहले तो मुझे कहीं गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा होता रेस्ट हाउस में सिक्योरिटी के अंडर, तो मैं चाहता हूँ ऐसी स्थिति दौर से ना आए। ये करने है आपने डेली नहाना जाके, तभी अपने घर में परिवार में बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ मिक्सअप होना है। मैं नहीं कह रहा हम इधर से जा रहे इन्फेक्शन लेके आ रहे, नहीं, प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कोई SDM कार्यालय में अपने काम से जाता है, जब घर वापस आता है तो वो नहाए। SDM ऑफिस में उसको बड़े लोगों से आमना सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर वन पे हमारी प्रायोरिटी है अपना बचाव, और अपना बचाव नहीं कर पाएंगे तो फिर हम पेशेंट को नहीं देख पाएंगे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, PPE किट की कमी भी नहीं है और मास्क की कमी भी नहीं है। उसको रैशनली यूज नहीं करेंगे तो वो कोई भी चीज़ जितनी मर्जी ज़्यादा हो वो खत्म हो जाती है। जहाँ ये बीमारी आई, पहले इटली में आई, अमेरिका में आई, हमने देखा कि उन्होंने पहले बड़े आराम से सारा सामान यूज़ कर लिया, उसके बाद उनको डस्टबिन के बैग भी अपने सिर में पहनने पड़े। इससे बेटर है हमारी वो स्थिति ना आए, हम सामान को रेशनली यूज करें। ये जो वायरस है वो 48 आवर्स तक किसी सरफेस पे जिंदा रहता है, तो ये नहीं समझना कि आप लोग इम्यून हो। कोशिश करिए 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करिए, बार बार हाथ धोइए। आज हम नई शुरुआत करते हुए अच्छा काम करेंगे, सोसाइटी में जो हमारा एक नाम है अच्छाई के लिए, उस नाम को और आगे लेके जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस मुश्किल समय में आपने सोसाइटी का साथ दिया और हॉस्पिटल का साथ भी दिया। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।